अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम इधर मजरे पे आए हुए हैं। हमने सोचा आगे रमज़ान आ रहा है, माशाल्लाह बहुत मुबारक महीना है, तो इधर हमने मजबूत बनवाना है और दोस्त भी साथ में है, तो हमने सोचा चलो इस ग्रीनरी पे बना के इसका हमने मज़ा लेना है। तो अभी हम शुरू करते हैं मजबूत और इसी मजरे में, तो लेट्स गो चलते हैं। मजबूत में इसमें चिकन डाल के हल्का सा बॉयल करना है। तेहराम में हमें ये किचन मिला है। इधर एक बद्दू दोस्त था, उसकी ये किचन है मजरे के अंदर। तो अभी हमने प्याज भी फ्राई करना है और इधर हमने चिकन रखा हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पे ये देखो ग्रीन मिर्ची है, इसको भी हम काट देते हैं। उसके लिए हमने मजबूत में भी कुछ डालना है। तो देखो ये रेड भी हो गया, इसको भी एक काट लेते हैं। और साथ में माशाल्लाह इधर सब्जी भी है, बैंगन। और ये जो है ना, ये सबसे सऊदी का फेमस जो चीज़ है ना, देखिए ये, इसको बाद हम बाद में सैलेड के जगह हम यूज़ करेंगे। अभी सिलेंडर फिनिश हुआ पानी काम हो गया, सिलेंडर फिनिश हुआ, अभी दूसरा लेके आ रहा है। और ये कुक बैठा हुआ है, बहुत परेशान है। आएगा आएगा सिलेंडर आएगा, टेंशन नहीं लो। और सबसे ज्यादा इन बिल्लियों को टेंशन लगा हुआ है क्योंकि इसने भी खाना है ना। अभी सिलेंडर फिनिश हुआ था तो अभी नया लेके आया, तो अभी हमने फिर कुकिंग शुरू करना है। तो चलो चल के फिर कंटिन्यू करते हैं। अब हमने राइस डालना है कुकर में। तो अब हमने सलाद के लिए हमारा जो बिरयानी है वो रेडी हो गया। अभी हमने सलाद के लिए वो करना है, माशाल्लाह बाकी वो है बड़े बड़े है अभी, माशाल्लाह ये देखो ना, एक दो प्याज इधर से हम ले लेते हैं ना, और इसको हम धो के ना फिर सैलेड है यार, चलो इसको धो ले। अब हम इसको धोना है, ताकि
ताज़ा है, अच्छी तरीके से धो लेते हैं। ये धो के ना अभी हम खाने वाले हैं इसको। अब हमारा मसूर तैयार हो गया, दोस्त भी है और अभी काफ़ी ठंड भी है, तो चलो हम इसको ओपन करते हैं। मसाला बहुत मजे का है, इसको ऐसे करके डालो